गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो गई है आज दिन की नई शुरुआत। और दिन की शुरुआत में आज नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। जैद की फरमाइश से उन्हें आलू के पराठे खाना थे। अभी हो गया है भुर्ता तैयार। इसमें मैंने डाला है, पहले मैंने आलू उबाल लिए, फिर उसके बाद प्याज और ज़ीरा राई का बघार लगा के इसको अच्छे से प्याज को तल लिया, फिर आलू डाल के और सारे मसाले डाल के इसे मिक्स कर दिया। अब मैं गूंद रही हूँ आटा, बस आटा गूंदने जा रही हूँ अभी। आटा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ मज़ेदार यम्मी से आलू के पराठे। यम्मी यम्मी से पराठे। तो गाइस अभी मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। और आज हमारे यहाँ बन रहा है मटर पुलाव। मटर पुलाव बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। ये मैंने चावल भिगो लिए हैं और ये मटर और आलू रखे हैं मैंने छील के और काट के रखे हैं। देखिए ये इसके मसाले। अभी मैं प्याज तल रही हूँ।
और मौसम की बात करें तो मौसम तो हो गया है बहुत अच्छा, और इस वक्त हो रही निकल रही है बहुत तेज़ धूप। कल जो कपड़े धोए थे वो अभी पूरे सूख चुके हैं, नहीं तो यही लग रहा था कि पता नहीं कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अब आज तो बहुत अच्छी बढ़िया सी धूप निकल रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का भी। मैंने कल धोए थे बहुत सारे कपड़े जो कि सूख नहीं रहे थे, पर आज पूरे कपड़े सूख गए हैं। बारिश होने से पौधों पे बहुत मस्त वाली खूबसूरती आ जाती है, पेड़ बहुत अच्छे हो जाते हैं, उन पर रौनक आ जाती है एकदम से। घर का हो गया है सारा काम, अभी इंशा प्रेस कर रही हैं कपड़े। ये जेद और तोहिद बैठे हुए हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी इंशा का बचा है लास्ट पेपर, और अब बस उसके पेपर होने वाले हैं पूरे, फिर हम लोग घर पे भी जाएंगे अपनी मम्मी के घर। बहुत दिनों से नहीं गए हैं हम लोग, बस यही सब कुछ चल रहा है। अभी बच्चों की अब थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी है, थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं सब लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इंशा के लिए बनाई है मैंने न्यू ड्रेस, ये देखिए इसका लुक बनाई है इसे। ये ट्राउजर, ये फ्रॉक है, तो इंशा इसको उठा के दिखाएंगे आपको। इधर आइए इंशा, देखिए इतनी खूबसूरत बनी है। ये कपड़ा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब इसकी ड्रेस बनी ये बहुत ही खूबसूरत लगा है। ये देखिए ये ड्रेस कैसी लगी आपको, आप लोग बताइएगा ज़रूर। हमारा लंच तैयार हो गया है और मटर पुलाव बन गया है, बहुत यमी यमी दिख रहा है। देखिए दिखने में कितना प्यारा दिख रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल रेडी है मटर पुलाव, बर्तन भी धो लिए हैं मैंने, सारा काम हो गया है। अब बस जल्दी से जाके कपड़े चेंज करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ छत पे, इतना अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं छत। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखिए टमाटर लग रहे हैं छत पे, देखिए इतना खूबसूरत टमाटर लग रहा है। ला मस्त वाले, ये हल्दी के पेड़ हैं, हल्दी लग रही है। ये नींबू का पेड़ है, अभी इसमें नींबू नहीं आ रहा है। देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से तो कुछ अलग ही व्यू आता है। ये लग रही है पालक, देखिए पालक लग रही है, अभी इसमें भी पालक लग रही है। कड़ी पत्ता लग रहा है, पूरे में छत कितनी गंदी हो रही है। काफ़ी दिनों से मैं ऊपर नहीं आई, ना मैंने छत की सफाई की है, अब करूँगी आके छत की सफाई।
ये हटा दूँ शूज और इसको यही भर लेते हैं, मेहनत से नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डल रही है मेट्रो की लाइन, यहाँ काम चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का, दूर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर के पीछे ही है ये। हो जाता है ना, ठीक है ना, वहाँ पर इस पे चढ़ के जाओ। मत चढ़ो, फिर निकल जाएगी ना वो बाहर। मेरे पीर का सपना चाहिए। इससे क्या होगा अब? बारिश होगी तो रेत नहीं बहेगी। फिनिशिंग टच दे रहा है। अरे बेकार नहीं, अरे यार सूखी लगे डाल दी हमने, गीली करी है। ये तो इस भाई के सड़े हुए से फुटप्रिंट्स। क्या कर लिया ये बना के? तो इधर ये उठा लो, तुम्हारे काम आएगी ये, तुम उठा लो। मैं अभी थक गई आधी छत की झाड़ू लगा के, फिर मैंने ईशा से बोला अब ईशा लगा रही है। ईशा ने कहा मम्मी अब मैं लगाती हूँ आधी छत की झाड़ू। अभी छत बहुत गंदी हो रही थी, अब देखिए कितनी साफ लग रही है छत, कितनी साफ हो गई, सिर्फ झाड़ू लगने से साफ हो गई छत। इस तरफ देखिए कितनी गंदी हो रही है। अभी इंशा लगा रही है झाड़ू, मेरी तो सांस फूल गई, बहुत थक गई मैं, क्योंकि मेरा तो वैसे ही बीपी हाई है, लेकिन मुझसे देखते ही नहीं बनता गंदी होती है छत या कुछ भी फैलावा होता है। हाँ एक तरफ से लेके जाओ, उधर मिट्टी में मत लेके जाओ, मिट्टी ख़राब हो जाएगी, नहीं तो इस साइड लेके आओ, ऐसे ऐसे ला के वहाँ एक तरफ कोने पे कर देना, जहाँ वो रखा है ना कचरा मैंने, अभी भर तो नहीं पाएंगे, बाद में भर देंगे। ये झाड़ू है ना इधर ही रख देना कमरे में। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से भी हो गई पूरी छत साफ। अभी मैं कचरा पूरा समेट के आई हूँ वहाँ पर, ईशा बिचारी लगा रही है झाड़ू, सांस फूल रही है मेरी। देखिए कितना कचरा निकला है छत पे, काफ़ी दिनों से नहीं आई थी मैं। पूरी छत साफ हो गई है, अंदर रख दो उसको।
एक तरफ। अभी हम लोग पी रहे हैं शाम की चाय, चाय नहीं कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी कॉफ़ी बनाइए। अच्छा, आज कॉफ़ी पीने का मूड था तो आज कॉफ़ी बनाइए, चाय नहीं बनाई। तोहित भाई खा रहे हैं बिस्किट। तोहित बिस्किट हमें भी खिलाओ, इधर लेके आना। तोहित भाई कौन सा बिस्किट खा रहा है? डार्क फैंटेसी पूरे खा गए। ये मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पी रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं ये हमेशा। मोबाइल से हटके भी कुछ देखिए। कैसी बनी है कॉफ़ी? ये देखिए हमने जो है बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी, हमारी बेटी ने बनाई इसलिए। बेटी ने बनाई इसलिए अच्छी बनी जी। अच्छा, हाँ अच्छा सही है। और सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं चल रहा। और आज तो बोर्डिंग थी, क्या हुआ? बीजेपी जीत गई। अभी आ गया क्या नतीजा? हाँ लगभग है जी। चलिए ठीक है फिर।